साईं, वेलकम बैक साईं। ब्रेक तो वञण तो पहले तालिबान रिलेटेड जी गुफ्तगू थी पे उन एक नवा रुख जरा देखने चाहता पे। खान साहब ने जिमें फरमाया हाल तो मेरा इन्हों को पहले तो दस दे मैं थोड़ा जहाँ रिजर्वेशन ही पे जरिए असं अपनी अपनी गुफ्तगू घिन के आसूँ, क्योंकि ये समझते पे जी मेरे को एक इंप्रेशन मिले कि शायद जे अफगानिस्तान ने तालिबान लड़ते पे वो बड़े अच्छे हैं, जे पाकिस्तान है पाकिस्तान के खिलाफ पे लड़ते हैं वो बुरे हैं। इन तो बड़ी दुनिया ने एक तरह की तनकीद की थी, बैड काप गुड काप, कि अफगानिस्तान है तालिबान बड़े अच्छे हैं क्योंकि उतना उन्होंने को मरे दें नेटो फोर्सेज को मरे दें या उतु अफगानियों को मरे दें, पाकिस्तानी जे इन पे वो बड़े ये थे वन वो बुरे समझे वेंदे वो पाकिस्तान से अटैक करें दें। इंदु दे आगे जरा थोड़ी गुफ्तगू करें ने। खान साहब, लंदन ने क्या था, एक क्या डेवलपमेंट था, ये कुआरी क्या खबर है? ऐसे 60 मुल्क ने अमरीका और बरतानिया के आखे से एक कॉन्फ्रेंस के जी के जुमेरात को उत्थे थी है, डूडी जारी रही है और उन्दे विच बह के इन्होंने कोशिश की है कि लोगों को ये दिखाया वजे कि असा ई जंग को तंग आके एक नवा रस्ता इख्तियार करना चाहते हैं, जेड़ा के 1988 जे कुछ जनीवा अकॉर्ड आ दिन उन्दे मुताबिक असा कुछ काम करन लगे हैं। और इंदे विच अंदरूनी मकसद भी है, अंदरूनी मकसद डू आन कलासर साहब, एक है कि तालिबान दे विच फूट पाती वजे, इन्हों को अपने लीडर को अलहदा किया वजे और ये कोशिश की वजे कि इन्हों के जेड़े तलवे हायरकी दे विच जंग जू हैं इन्हों को अपने नाल मिलाया वजे और जेड़े इन्हों के अफसरान और जेड़े इन्हों के लीडरान हैं उन्होंने अलहदा किया वजे। एक तो इन्होंने उन्दे इन्होंने तो जनाब ने लिखा कि 140 मिलियन डॉलर रखे कि असं उन्होंने उन्होंने बूद बाश से खर्च करे सूँ, वल नाल ही है कि जी 1 अरब डॉलर भी रखा गया जेड़ा कि अमरीका ने कई तरीके नाल ओ इन्हां दे उत्ते इन्वेस्टमेंट करनी है कि इन्हां दे बंदे को दे के ते उन्हों को अपने नाल मिलाया। जरा इराक के काम कीता है कि शिया सुन्नी को इन्होंने पहले लड़ाया, जेने बच गए हैं उन्हों को ब्राइब कर मुल्क दा। सो ए एक मकसद है, असल ही मकसद दा पिछू भी मकसद है कि अमरीका दा मिड टर्म इलेक्शन आंदा पे सितंबर अक्टूबर 2010 च, नाल ही गॉर्डन ब्राउन साहब का भी इलेक्शन ही साल ही ठीक है जा। इन दो इलेक्शन को बचण वास्ते ओबामा साहब को जो वोट मिला है वो तो बुश के खिलाफ मिला है ना जा, ठीक है जा। ना अच्छा वो वोट को हुण इन्होंने उन्दे ते कोई अमल दरामद नहीं किया, इन्हें जंग दे च हथू 37,000 बंदे बह भिजेंदे पे अमरीकन इतना आके लड़न वास्ते। अमरीका की बुश की जी टीम है रॉबर्ट गेट्स बह लोग पिटरस पैटरस जनरल पैटरस बह लोग जितने हैं ये सारे के सारे हॉक्स गिन के जनरल क्रिस्टल की गल करते हैं कि वह बड़े जंगजू और लड़ाका और वो अपना मुख्तलिफ इंसान है, ये सारे मुख्तलिफ चीज़ों को गिन के इतना आते पैन। और इंदी वजह यह है कि ये अपना इलेक्शन हम देखो कैनेडी की जी बॉस्टन की सीट आई मैसाचुसेट्स कैनेडी खानदान को 60 की रही है, उनका भिरा टेड कैनी फौत है उतना रिपब्लिकन जड़ा है वो पिछले महीने जीते हुए जनाब और कई मतलब हजार वोटों के नाल जीत गया। डेलावेयर की जी सीट है जिथा अपना वाइस प्रेजिडेंट बाइडन की जो पुत्र इलेक्शन लड़ता पाया है वह सीट तो विदड्रॉ कर गया क्योंकि उतना उनके मुखालफ 36 साल तो बाइडन बनना पै उतों वो बंदे दौड़ गए, इन्हों को नज़र आ गए चानण हो गई इन्होंने सामने कि सारा तो हाल बुरा है क्योंकि असा वोटर की गाल नहीं मनी, जेड़ा वोटर ओबामा साहब का वोटर आई वो जंग के खिलाफ आई और उन्होंने एक वोट दिता अगू इन्होंने कोई काम नहीं किया, लिहाजा ए डू गाल की बुनियाद पर इन्होंने 60 मुल्क को इकट्ठा करके जनाब दे मेरे अखी धूल पाने की कोशिश की। मतलब तुम्हारी जी गुफ्तगू तो मेरे को समझ आती पे एक दो चीज़ नवी जरा मेरे एक नॉलेज इजाफत है, ये पॉलिटिकल रीजंस हैं जिन्होंने मजबूर किए एक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को या को गॉर्डन ब्राउन को जी, ये मिलिटरीली नहीं मतलब ना, फौजी कंपल्शंस नहीं कि इन्हें कोई शिकस्त पे थी है या इतना कोई प्रॉब्लम है पिया, ये टोटली तो समझ जो पॉलिटिकल ये कंपल्शंस एट हूं या ये तो नहीं कि वक्ति तौर तो फिनोमेना है कि एक तो एड्रेस किया ताकि एट होम इलेक्शन जीत के दोबारा अपनी पॉलिसी को रिवाइव करो। जेडी गाल है उंदे तो देखो आज सारे बंदे आदन हमने जंग लड़नी है और हमने ताकत की बुनियाद पे इनसे बात करनी है, हम अगर कमज़ोर नज़र आए तो ये तालिबान हमारे पे सवार हो जाएंगे, ये आदन असल गाल है कि ये अपना आदन के सारा ये अगला 6 महीने गुजर वजन इलेक्शन दे क्योंकि